हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो में हम MTF के थ्रू ETF बाय करके आपको लाइव दिखाने वाले हैं। MTF जिन्हें नहीं पता उन्हें हम बताना चाहेंगे, MTF यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। देखिए, इस चीज़ की जो खासियत है वो कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार है कि आप कहीं ना कहीं मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं अपनी डिलीवरी ट्रेड्स में भी। यानी ETF या स्टॉक्स आप डिलीवरी में उठा सकते हैं मार्जिन का यूज़ करके, यानी लीवरेज का यूज़ करके। यहाँ पे आपको 3 से 4 गुना तक का लीवरेज देखने को मिल जाता है। और हमने हाल ही में एक वीडियो भी आपके साथ शेयर किया था जहाँ पर हमने ग्रो में MTF के बारे में बताया था, जो कि एक नया फीचर लॉन्च किया है हाल ही में ग्रो ने, जो कि MTF की नई फैसिलिटी है। तो वो हम सारा कुछ आज देखने वाले हैं और आज हम आपको लाइव ETF बाय करना दिखाएंगे। MTF यानी डिलीवरी की ट्रेड्स परफॉर्म करेंगे ETF में, वो भी मार्जिन की हेल्प से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है ग्रो का प्लेटफॉर्म और यहाँ पर हमने ETF का जो वॉच लिस्ट है वो हमने खोल रखा है और यहाँ पर आप सारे ETF देख सकते हैं। तो देखिए, ETF बाय करने से पहले हम सबसे पहले यही देखेंगे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा गिरावट हमें किस ETF में देखने को मिल रही है। तो फिलहाल देख सकते हैं सिल्वर का ETF आज सबसे ज़्यादा गिरावट शो कर रहा है, तो हम इसी को ही बाय करते हैं। तो ये आ गया है आपके स्क्रीन पर निपॉन इंडिया का सिल्वर ETF, जो कि 86.48 के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट फिलहाल लाइव है और देख सकते हैं ये सारा कुछ। और बीते एक महीने के चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक गिरावट भी शो हो रही है इस ETF में। तकरीबन 7% के आसपास की गिरावट है, 7% से ज़्यादा की गिरावट है, तो ठीक ठाक गिरावट है। यहाँ पर हम फर्स्ट लॉट लगा सकते हैं इस ETF में। पर देखिए, यहाँ पर जो हमें देखने को मिल रहा है कि इस ETF में MTF का ऑप्शन अवेलेबल नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, कुछ ETF अब भी हैं जिसमें आपको MTF का ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चलिए दूसरा सिल्वर का ETF बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर HDFC सिल्वर ETF को हम बाय करते हैं। ये भी सिल्वर का ही ETF है, सेम चार्ट है, सब कुछ है वैसे ही है। देख सकते हैं यहाँ भी सेम गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 7% के ऑलमोस्ट की है, और यहाँ पर आपको MTF का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए इसी ETF को हम बाय करके दिखाते हैं आपको लाइव। और यहाँ पर हम कुछ ETF की क्वांटिटी बाय करेंगे इस वाले ETF की, फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए। तो लेट्स से यहाँ पर हम 200 क्वांटिटी लिख देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जैसा कि डिलीवरी सिलेक्टेड है और यहाँ पर जो हमें डिलीवरी में अगर हमें 200 क्वांटिटीज बाय करनी है तो हमें कहीं ना कहीं 17,369 रुपये की जरूरत पड़ेगी। पर देखिए, यही खासियत है MTF की। अब देखिए, हम MTF को सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए, अब जो हमें पैसे की जरूरत पड़ने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ आप यहाँ देख सकते हैं 5,211 रुपये की ही जरूरत पड़ने वाली है। तो ये कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने को मिल जाता है MTF का, कि आप इसमें 3 से 3.5 गुना तक का आपको कहीं ना कहीं मार्जिन मिल जाता है। और किसी किसी ETF में तो आपको 4 गुना तक का भी मार्जिन देखने को मिल जाता है, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम MTF के थ्रू बाय करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो आप 17,000 की ट्रेड है, यानी 17,369 रुपये की ट्रेड सिर्फ और सिर्फ MTF की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ 5,211 रुपये में परफॉर्म कर पाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, अब जो मान लेते हैं अगर हम बाय करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 17,369 रुपये के हिसाब से होगा। यानी यहाँ से अगर ये ETF 10% ऊपर चला जाएगा, जो कि अभी 86 के आसपास है, तो यानी यहाँ से अगर 10% ऊपर जाएगा ये ETF तो आपका जो लॉस सॉरी प्रॉफिट होगा वो होगा 17,000 के हिसाब से, यानी 1,700 रुपये का प्रॉफिट तकरीबन बनेगा। वहीं अगर लॉस होगा, 10% नीचे चला जाता है यहाँ से ये ETF, तो आपका जो लॉस होगा वो भी 17,000 के हिसाब से ही होगा। भले ही आपने 5,000 रुपये लगाए हैं, वो लॉस 17,000 के हिसाब से ही होगा, तो वहाँ भी आपका लॉस 1,700 के आसपास बनेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए अब हम बाय करते हैं इस ETF को। तो MTF सेलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ वेरीफाई टू बाय पे सिलेक्ट करना होगा। पहले MTF सेलेक्ट करना है, फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज डालना है, फिर यहाँ पर हम एट मार्केट ही रहने देते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ हो सकता है फिर ट्रेड मतलब जो आपका ऑर्डर है वो थोड़ा कुछ देर बाद एग्जीक्यूट हो। तो क्योंकि हम ये लाइव वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए हम एट मार्केट पर रखेंगे और फिर यहाँ पर हम वेरीफाई टू बाय करेंगे। देखिए, MTF में जब भी हम कोई स्टॉक या ETF बाय करते हैं तो हमें वेरीफाई भी करना होता है खरीदते समय। तो देखिए, यहाँ पर हमें कन्फर्म एंड वेरीफाई टू बाय पर सिलेक्ट करना होगा, क्लिक कर दिया हमने। तो देखिए, रिडायरेक्टिंग टू CDSL, और हमें यहाँ पर OTP इंटर करना होगा जो कि हमें रजिस्टर मोबाइल में आया होगा, वो हम डाल देते हैं। तो देखिए, हमने डाल दिया OTP और हम वेरीफाई पर क्लिक कर देते हैं।
तो आप यहाँ देख सकते हैं वेरीफाई क्लियर हो चुका है और यहाँ पर बाय सक्सेसफुल लिखकर आ चुका है। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अगर आप पोजीशन वाले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको MTF वाली पोजीशन शो होगी और जो हमने अभी ETF बाय कर रखा है जो कि HDFC सिल्वर है वो पोजीशन आपको यहाँ शो होगी पोजीशन वाले ऑप्शन में। और यहाँ पर हमने 200 क्वांटिटी बाय की है, मार्केट प्राइस अभी के टाइम में 86.55 पर देखने को मिल रहा है और एवरेज बाय प्राइस जो हमारा 86.50 था और हमने मार्केट प्राइस पे बाय किया था और थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी हमें 10 रुपये का प्रॉफिट भी शो कर रहा है। तो ऐसे में आप पोजीशन वाले ऑप्शन में जाकर के ये सारी जो अभी अपने ट्रेड लिए MTF की वो आप ट्रेड को चेक कर सकते हैं और ये ट्रेड चलती रहेगी जितने भी दिन तक आप उसे कैरी करना चाहें। तो यहाँ पर हम जो यहाँ से टारगेट लेकर चलने वाले हैं वो कम से कम 6-7% का लेकर चलेंगे जो कि स्विंग ट्रेडिंग में हम अक्सर इतना ही लेकर चलते हैं। और देखिए समझने वाली बात यही है इम्पॉर्टेंट जो कि यहाँ पर हमने तकरीबन 5000 का यूज़ करके 17000 की ट्रेड परफॉर्म कर रखी है तो जो प्रॉफिट होगा वो 17000 के हिसाब से होगा और लॉस भी होगा तो भी वो 17000 के हिसाब से ही होगा। तो इस चीज़ का आपको मेन ध्यान रखना है। तो इस तरह आप कहीं ना कहीं MTF के थ्रू ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कुछ चीज़ें आपको ज़रूर जान लेना चाहिए जब भी आप मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ करते हैं जो कि आप ग्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं सारा कुछ कि क्या है MTF और कैसे काम करता है। बाकी आप यहाँ ये भी पढ़ सकते हैं कि जो ग्रो हमें कहीं ना कहीं लिवरेज प्रोवाइड करता है उस अमाउंट पे कितना हमें चार्जेस देना पड़ता है पर डे के हिसाब से वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। आपको हम पढ़ के बता भी देते हैं, ग्रो उधार ली गई राशि पर प्रतिदिन 0.05% प्लस GST चार्ज करता है, इसलिए यदि आप 400 रुपये का उधार लेते हैं तो दैनिक ब्याज 0.20 रुपये प्लस GST होगा। यह लागत आपके लाभ रेट से काट ली जाएगी या उसके नुकसान में जोड़ दी जाएगी, यानी जब आपकी ट्रेड कंप्लीट होगी जितने दिन भी बाद आप उस ट्रेड को क्लोज करेंगे यानी स्क्वायर ऑफ करेंगे उस दिन आपका जो भी जितने दिन भी आपने होल्ड किया है उस हिसाब से 0.005% का आपका इंटरेस्ट लगा के प्लस GST जोड़ करके आपका जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा होगा उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरह आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं पर डे के हिसाब से, वो भी तब जब आप ट्रेड को क्लोज़ करते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स आप यहाँ पढ़ सकते हैं, हिंदी में आपको यहाँ सारा कुछ देखने को मिल जाता है, सारा एग्जांपल के तौर पे आप सारा कुछ यहाँ समझ सकते हैं कि लीवरेज कैसे काम करता है। तो जैसे इंटरडे में लीवरेज काम करता है तो उसी तरह यहाँ पर आपको डिलीवरी के केस में भी देखने को मिल जाता है। बाकी कैसे करना है वो तो हमने आपको दिखाई दिया है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। और MTF से जुड़े फ़ायदे और नुकसान ज़रूर पढ़ लीजिएगा MTF की ट्रेड्स परफॉर्म करने से पहले, अदरवाइज़ आपको लॉस भी हो सकता है और इसमें क्या क्या रिस्क हैं वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। तो कुछ रिस्क भी हैं जो कि आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी हम आपको भी दिखा देंगे तो आप चाहें इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं स्क्रीन पॉज करके। तो देखिए यहाँ भी आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखने को मिल जाता है, आप यहाँ इंग्लिश में भी चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि देखिए हायर रिस्क लॉस होता है क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपने भले ही छोटा पैसा लगाया है पर आपकी ट्रेड बड़ी होती है क्योंकि आपको यहाँ मार्जिन मिल जाता है तो प्रॉफिट होता है, तो उस हिसाब से होता है जो आपका पूरी ट्रेड है। जैसा कि हमने सिर्फ 5000 में 17000 की ट्रेड ली है तो प्रॉफिट होगा तो 17000 के हिसाब से होगा, लॉस होगा तो 17000 के हिसाब से होगा। और देखिए इस ट्रेड को लेने के बाद कहीं ना कहीं आपको एक मिनिमम बैलेंस भी मेंटेन करना होता है, वो आप ज़रूर समझ लीजिएगा क्या कुछ होता है और यहाँ पढ़ सकते हैं डिटेल्स में। देखिए कई बार आप क्या होता है ना कि जब भी आप ट्रेड परफॉर्म करते हैं तो कोई जोरी तो है नहीं कि आपका ट्रेड जो है वो प्रॉफिट में ही जा रही होगी, कई बार लॉस में भी जाने लगती है तो ब्रोकर को कहीं ना कहीं ये चिंता जरूर रहती है कि ये जो लॉस आपका शो कर रहा है भले ही आप उसे स्क्वायर ऑफ नहीं कर रहे हैं या बुक नहीं कर रहे हैं अपने लॉस को, पर वो लॉस कहीं ना कहीं एक तरह से उनका चिंता का विषय होता है जो आपका ब्रोकर होता है। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि आप उतना पैसा जितना कि लगभग लॉस चल रहा है आपका उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा आप अपने जो ट्रेडिंग बैलेंस है यानी फ्री कैश है उसमें आप उतना लेकर चलें ताकि इन केस आपका लॉस बुक होता है तो आपका पैसा आपकी ट्रेड जो आपका फ्री कैश है वहाँ से काट लिया जाए। तो कहीं ना कहीं मिनिमम बैलेंस भी आपको एक मेंटेन करना होता है अगर आप MTF का यूज़ करते हैं। और देखिए लिक्विडेशन का भी इशू होता है, अगर आप बैलेंस मेंटेन नहीं करके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपका फिर जो ट्रेड है वो ऑटो क्लोज किया जा सकता है बाय आपका जो ब्रोकर है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसमें रिस्क वो सारी आप पढ़ लीजिएगा और यहाँ पर आप हिंदी में भी सारा कुछ पढ़ सकते हैं और बाकी की डिटेल्स आप नीचे भी देख सकते हैं। तो ये सारा कुछ जरूर पढ़ लीजिएगा किसी भी MTF ट्रेड्स को परफॉर्म करने से पहले क्योंकि ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं आप जैसे ही ETF बाय करें तो वो ETF ऊपर ही चला जाए या हो सकता है कई बार आपको अच्छे काफ़ी लंबे समय तक आपको उस ट्रेड को
होल्ड भी करना पड़ सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमने ETF बाय किया था वो कहीं ना कहीं हमने पूरी तरीके से इसको रिसर्च और एनालाइज करके और उसके सारे रिस्क को यानी MTF के सारे रिस्क को समझ करके ही बाय किया था। तो आप भी जब भी कोई MTF से ट्रेड परफॉर्म करेंगे, चाहे वो आप स्टॉक में परफॉर्म करें या फिर ETF में परफॉर्म करें, आप पूरा रिस्क मैनेज करने के बाद ही कोई ट्रेड लीजिएगा। इन केस वहाँ से गिरावट आती है तो आप उसे कैसे एवरेज करेंगे, ये सारा कुछ सोच समझ कर ही निवेश करिएगा। आप चाहें तो गिरावट होने पर MTF के जरिए भी एवरेज कर सकते हैं, या फिर चाहें तो आप फुल कैश से भी एवरेज कर सकते हैं, यानी जो एक नॉर्मल डिलीवरी ट्रेड होती है उसको परफॉर्म करके भी एवरेज कर सकते हैं। पर एवरेज करने का पैसा आप जरूर रखिएगा, तभी MTF में कोई ट्रेड परफॉर्म करिएगा। और सारे रिस्क को समझ लीजिएगा यहाँ पर आकर के, कि आपको पर डे चार्जेस भी पे करने होते हैं और यहाँ पर आपको कुछ रिस्क भी देखने को मिल जाते हैं जो कि हमने आपको बता दिया है, आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। तो ये सारा कुछ समझने के बाद ही और एक बार कोशिश करिएगा, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी हेल्प लेने के बाद ही किसी प्रकार की ट्रेड लीजिएगा MTF का यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पर आपको अगर सही से चीज़ें नहीं समझेंगे तो आपको लॉस का भी सामना करना पड़ सकता है। तो आई होप यहाँ पर आपने सारा कुछ समझ लिया होगा, और इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर भी इस वेबसाइट पर आके सारा कुछ पढ़ सकते हैं। तो ये था MTF के बारे में वीडियो, और हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि ETF में कैसे बाइंग कर सकते हैं MTF का यूज़ करके। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।